नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। यह पत्र आज दिनांक 17/11/2022 को जारी किया गया है। पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। इसमें विषय है नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण उपरांत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं रिक्त हुए पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण करने के संबंध में। विभागीय स्थानांतरण के फलस्वरूप नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण के पश्चात रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण तथा पद स्थापना के फलस्वरूप आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करें। जिन विद्यालयों में रिक्त पद पर स्थानांतरण के पश्चात नियमित शिक्षक की पदस्थापना हुई है, उस रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी विद्यालय में एक विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है तथा एक पद पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना हो चुकी है, इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/18 को दिए गए निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में आमंत्रित करने में मेरिट का उल्लेख किया गया है। अतः निर्णय के परिपालन में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक में से मेरिट के क्रम में उच्च स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को रखा जाए तथा कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि किसी विद्यालय पर मान लीजिए कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होकर आए हैं और वहाँ उस विषय के दो पद हैं और आपने दो अतिथि रखे हैं, तो ऐसे में जिस अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड में कम नंबर है या जिनका स्कोर कम है, ऐसे अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा। स्थानांतरण के उपरांत रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। जिन विद्यालयों में स्थानांतरण के पश्चात पद रिक्त हुए हैं, ऐसे विद्यालयों में संचालनालय के पत्र दिनांक 13/7/2022 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। विद्यालय में पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिन विद्यालयों में पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है तथा सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख ब्लॉक जिले के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर सकते हैं। ब्लॉक एवं जिले का ऑनलाइन पैनल संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर उपलब्ध है। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो साथियों, ऐसे शिक्षक साथी जिनका स्थानांतरण हो चुका है या जो स्थानांतरण लेकर किसी संस्था पर आए हैं, तो उन विद्यालयों पर पदस्थ अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाना है जहाँ पर किसी शिक्षक का ट्रांसफर से पदस्थापना हुई है। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।